हेलो लर्नर्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी 11th क्लास से। साइकोलॉजी जो है वो 11th क्लास से एनसीईआरटी में आती है, तो एनसीईआरटी का जो 11th क्लास की बुक है वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जो आपका चैप्टर वन है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कैसे आता है, सोशल साइंस की तरह साइकोलॉजी को कैसे लिया जाता है। उसके अलावा माइंड एंड बिहेवियर के बारे में समझने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी को समझा जाएगा। देन कुछ लैंडमार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं साइकोलॉजी के इवोल्यूशन को लेकर। तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर इंडिया में कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उसकी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, कैसे रिसर्च और एप्लीकेशन में इसका यूज़ हो रहा है, क्या थीम्स पर काम हो रहा है, एंड अदर डिसिप्लिन के साथ ये कैसे कोरिलेटेड है, और साइकोलॉजी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे चैप्टर वन में कवर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है व्हाट इज़ साइकोलॉजी की। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आता है यहाँ पे कि जब आपसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, तो अक्सर क्या लोग कहते हैं कि किसी के दिमाग को समझने का के लिए हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ साइंस जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, इस तरीके के जवाब मिलते हैं। और अक्सर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी वाले जो होते हैं वो दिमाग को पढ़ लेते हैं, बट किस तरीके से, ये कोई ऐसा जादू वाला कोई साइंस तो है नहीं, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो इसमें कुछ साइंटिफिक तरीक़ों से काम होता है, कुछ साइंटिफिक इसके स्टडी के मेथड होते हैं, उस तरीके से इस पर काम होता है। तो जब इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाती है तो एक ब्रॉड वे में इसकी डेफिनेशन मिलती है, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट कई तरीके की डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे। तो जब पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी के लिए बोला जाता था कि जो साइकोलॉजी टर्म है ये दो टर्म से मिलके बना है। एक तो ग्रीक वर्ड जो है साइकी और लोगोस, साइकी मतलब होता है सोल और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो उसको किस तरीके से बोला जाता था कि साइकोलॉजी वॉज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, यानी कि आत्मा का या जो दिमाग है आपका, मस्तिष्क है, उसका विज्ञान इसको बोला जाता था, या उसकी इसके अध्ययन का विज्ञान इसको बोला जाता था। उसको इस तरीके से लिया जाता था कि हम आत्मा का यहाँ पे व्यवहार देख रहे हैं, आत्मा के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू था एक तरीके से साइकोलॉजी का। लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है डेवलप होने लगी, उसमें जब हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कैसे इसका साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, कैसे साइंटिफिक स्टडीज स्टार्ट हुई, तो फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंज होने लगा धीरे धीरे। फिर अभी जो उसकी पर्टिकुलरली बात आती है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि साइकोलॉजी को अभी फॉर्मली कैसे डिफाइन किया जाता है, एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि तीन चीज़ों की यहाँ पे बात होती है साइकोलॉजी में। एक तो मेंटल प्रोसेसेस की अध्ययन के बारे में बात हो रही है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात हो रही है, और ह्यूमन बिहेवियर का जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर हो रहा है, मतलब अलग अलग परिस्थिति अनुसार जो व्यवहार होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं, मेंटल प्रोसेसेस ये क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड बिहेवियर जो होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जब बात आती है मेंटल प्रोसेसेस की, तो मेंटल प्रोसेसेस में हम देखेंगे कि मेंटल प्रोसेस क्या होता है। जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ब्रेन जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं क्या वो ही मेंटल प्रोसेस हैं, या मेंटल प्रोसेस कुछ और हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करके अपनी यहाँ पे बात रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि मेंटल प्रोसेसेस आर पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, है ना। ब्रेन जो हमारा ब्रेन है वो हमारी फिजिकल एंटिटी है, फिजिकली अवेलेबल है ब्रेन। उसमें जो उसके पार्ट्स हैं वो फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब सॉरी उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हम समझते हैं और उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मेंटल प्रोसेसेस जो होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उनको हम एक तरीके से फिजिकली देख नहीं सकते या फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो बोला जाता है कि इनके बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटी में। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तो हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होंगी वो वहाँ पे होने लगेंगी। मतलब ब्रेन एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, आपके उस स्टिमुलस मिला है तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, न्यूरॉन्स वर्क करेंगी, दिमाग में सिग्नल्स जाएंगे, वहाँ पे जो भी वर्क होना है, प्रोसेसिंग होनी है वो होगी, एंड देन
आपका कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्स है वो आएगा, तो ये सारी ब्रेन एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं और न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं वो जनरली यहाँ पे बोला जाता है कि ये ओवरलैपिंग होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जो माइंड है, मेंटल एक्टिविटीज़ को माइंड से जोड़कर देखा जाता है, और माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी एम्बिगस कॉन्सेप्ट है, तो इसको इसके लिए बोला जाता है इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है या किसकी कोई लोकेशन नहीं है जिससे इसको स्टडी किया जा सके। जब भी हम कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो खुद होने लगती है, तो मेंटल प्रोसेसिंग वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है और साथ में ब्रेन एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। तो उस तरीके से हालांकि ये ब्रेन एक्टिविटी से डिफरेंट है बट काफ़ी ओवरलैपिंग है, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों नहीं है ना, दोनों एक दूसरे का एक तरीके से सहारे के तरीके से काम कर रहे हैं। और बोला जाता है कि जब हम सोए होते हैं उस समय भी हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं चल रही होती है, तभी तो आपको सपने आते हैं, आपको दुनिया भर के सपने आ रहे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं सोने के टाइम पर भी मेंटल एक्टिविटीज़ इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं। इसको लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे, उसमें भी देखा गया था कि मेंटल प्रोसेसेस जो होती है, माइंड जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहता है। फिर बात आती है एक्सपीरियंसेस की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस क्या है। एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव नेचर के माने जाते हैं ना, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो पर्टिकुलर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम सिचुएशन में हैं हम और हमारे सेम एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है बी, तो अगर इनको सेम सिचुएशन में रखा जाता है तो इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है इस पर्सन का, और इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो यही चीज़ होती है कि एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और डिपेंड करते हैं हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे, हमारी खुद के परसेप्शन पे, हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है उस पे, कई तरीकों पे जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको इफेक्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम पे जो भी एक्सपीरियंसिंग पर्सन होगा वही उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएगा और दूसरा पर्सन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ये इसके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता और ये इसके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि अपना एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स के रूप में भी होते हैं, नेगेटिव फीलिंग के रूप में भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने का प्रयास करते हैं, जैसे हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके अलावा जब हम मेडिटेशन की स्टेट में जाते हैं तब हमारे एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, या फिर जब हम कोई ड्रग लेते हैं ऐसे जहाँ पे हमारा एक कॉन्शियस लेवल में इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। तो इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो साइकोलॉजिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ में जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके लिए बोला जाता है कि एक्सपीरियंसेस को कौन इफेक्ट करता है, इंटरनल कंडीशन भी इफेक्ट करती हैं और एक्सटर्नल कंडीशन भी इफेक्ट करती हैं। इंटरनल कंडीशन यानी कि आपकी बॉडी कैसी स्थिति में है, आप थके हुए तो नहीं है, आपको भूख तो नहीं लगी है, आपके अंदर गुस्सा तो नहीं है, है ना, इस तरीके की जो कंडीशन आपकी है। उसके अलावा एक्सटर्नल कंडीशन जो होंगी वो भी आपको इफेक्ट करेंगी, जैसे कि आपका पर्टिकुलर प्लेस में अगर आपको गर्मी के टाइम पे रखा जाए या सर्दी के टाइम पे रखा जाए, बारिश के टाइम पे रखा जाए, अलग अलग कंडीशन में रखा, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हर मौसम का डिफरेंट होगा, है ना, हर सिचुएशन का डिफरेंट होगा। तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है, इस तरीके से आप उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हम बिहेवियर्स पे आते हैं, तो बिहेवियर्स क्या है, बिहेवियर क्या होता है, रिएक्शन होता है, जब आपका रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ के प्रति, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ उस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वही आपका बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर को कहीं ना कहीं स्टिमुलस से जोड़कर देखा जाता है। जब भी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है किसी भी तरीके का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जब मिलता है हमें तभी हमारा बिहेवियर होता है, स्टिमुलस बिहेवियर जो थ्योरी होती है आपकी, ठीक है, तो स्टिमुलस मिलने पर ही हमारा बिहेवियर होता है। तो ये जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, रिएक्शन होता है किसी चीज़ के लिए। जैसे कि आपको किसी ने आवाज़ लगाई, आपके नाम को किसी ने बुलाया, तो आप क्या करेंगे, पलट के देखेंगे या अपना कान लगाएंगे उस तरफ को, क्यों, क्योंकि आपको पता है वो आपको ही आपका नाम ले रहा है, तो रिस्पॉन्स आपका गया आपकी बॉडी का। इस तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बॉडी में, जैसे गर्म बर्तन को छू के आपका हाथ हटता है, वो सब आपके बिहेवियर में आते हैं। तो बिहेवियर जो होता है वो एक तरीके से ऑब्जर्वेबल होता है, लेकिन कोवर्ट और इनवर्ट दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। बिहेवियर जो होते हैं ओवर्ट बिहेवियर भी हो सकते हैं जो कि बाहर से देखे जाते हैं, उसके अलावा कुछ बिहेवियर इंटरनल होते हैं यानी कि कोवर्ट नेचर के होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं ना जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमारे इंटरनली अंदर चल रहा होती है चीज़ें और वो हमारा इनडायरेक्टली बाहर रिएक्ट हो रहा होता है उस चीज़ को लेके, तो वो हमारे कोवर्ट बिहेवियर थे। लेकिन कोई भी बिहेवियर वो कोवर्ट हो चाहे ओवर्ट हो, वो कहीं ना कहीं स्टिमुलस से ही ट्रिगर होता है। जब कोई स्टिमुलस होगा तभी, या इन्वायरमेंट में चेंज होगा तभी हमारा बिहेवियर जो है निकल कर आएगा।
अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की। तो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पहले ये फिलॉसफी से जुड़ा हुआ माना जाता था, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के फॉर्म में ये नहीं उभरा था। तो साइकोलॉजी जो था उसमें फिलॉसफी के अंदर हम देखते थे कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, सेल्फ को समझने के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी थ्योरीज हैं, तो वहीं से इसको जोड़कर देखा जाता था। लेकिन वहाँ पे क्योंकि साइंटिफिक तरीकों की कमी थी, साइंटिफिक स्टडीज़ की कमी थी जिसको ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाए और साइंटिफिकली अप्रूव किया जाए, इसलिए साइकोलॉजी जो थी वो साइंटिफिक फॉर्म में वहाँ पे नहीं रखी गई थी। अब जो साइकोलॉजिस्ट आए, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कोशिश की कि इसको साइंटिफिक बनाया जाए, इसको ऑब्जेक्टिव तरीक़ों से इसको किया जाए जिससे कि ये साइंटिफिक फॉर्म में उभर सके। इसलिए इसको अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको करने की कोशिश की गई। जैसे हम देखते हैं ना कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हर कोई अपनी लाइफ में साइकोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो एज अ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को समझने के लिए या कैसे कोई दूसरा ह्यूमन बिहेवियर कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए हम अपनी कॉमन जो लेमैन अजम्पशंस होते हैं उनको लगाते हैं, या फिर हमारी जो अपनी थ्योरीज होती हैं उनको लगाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लगाते हैं। तो कई बार हम दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ का यूज़ करने लगते हैं, जो कि क्या करता है, उनकी इंटरप्रिटेशन को बायस कर देता है। यानी हम किसी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उस सिचुएशन को समझने के लिए हम अपने ओन पॉइंट ऑफ व्यू को लगा रहे हैं, तो उससे जो हमारा रिजल्ट होगा वो बायस हो जाएगा, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी, जो उतना प्योर रिजल्ट नहीं होगा। तो इस वजह से साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन निकाला गया, और एज अ यंग साइंस जो है ये बहुत पुरानी नहीं है। 1879 में लिप्ज़िग में, जर्मनी लिप्ज़िग में फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी साइकोलॉजी की, विलहम वुंड ने बनाई थी, तब से ही इसको एक साइंटिफिक फॉर्म के रूप में देखा जाने लगा। क्योंकि जब लेबोरेटरी बनी तो उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वहाँ से उभरने लगी और धीरे धीरे वो एक साइंस का फॉर्म लेने लगी। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी थी वो धीरे धीरे नई डिसिप्लिन के फॉर्म में आए। हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो दोनों स्तर पे यूज़ हो रही है ना, बीएससी भी होती है साइकोलॉजी में, एमएससी भी होती है साइकोलॉजी में, और उसके अलावा आप बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी कॉमनली करते हैं। तो एज अ साइंस डिसिप्लिन जो है उसमें न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट है, इन पर साइकोलॉजी को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। आप सुनने में आता होगा आपको fMRI टेक्निक, फंक्शनल MRI, EEG जो है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, इन सब टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ब्रेन की प्रोसेसिंग की स्टडी करने के लिए। तो ये नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, ये भी इनको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो दो तरीके से साइकोलॉजी आ जाती है ना, एक नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट उसको यूज़ कर रहा है, एक सोशल साइंस के फॉर्म पे उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं हम कि दो पैरेलल स्ट्रीम साथ में चल रही है, एक तो फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेज इसको यूज़ कर रही हैं और दूसरा सोशल एंड कल्चरल साइंसेज इसको यूज़ कर रही हैं। तो फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जो हैं वो हमारे जो साइंटिफिक तरीके हैं उनको यूज़ करते हुए कैसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है, कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, और उसको कैसे स्टडी किया जा रहा है। जैसे जब भी हम किसी कंडीशन में होते हैं तो कोई चेंजेस होने से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब नेचुरल साइंस पढ़ रही है। और वहीं सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें दूसरा जो पार्ट है सोशल साइंस का वो स्टडी कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखा जा सकता है। अब हम नेचुरल साइंस की तरह से अगर देखें साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी में रूट रखती है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसको साइंटिफिक मेथड से जोड़ा है, तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे लाने के प्रयास की गई। इसके लिए यहाँ पे कौन से मॉडल को यूज़ किया जाता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल जो है उसको यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारे पास साइंस में क्या होता है, जब भी रिसर्चेस होती हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से तो वहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से निकल के हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई रिसर्च हम करते हैं, साइंटिफिकली हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, तो हमारे पास पहले उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, एक समस्या, एक प्रॉब्लम होती है ना जिस पर हम काम करते हैं, है ना, तो उस प्रॉब्लम पे बेस पे हम अजम्पशन बनाते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन जो होता है हमारा एक तरीके से उस समस्या का, ठीक है, तो वो होता है हमारी हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस है उसको फिर टेस्ट किया जाता है, इसको टेस्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, या तो ये एक्सेप्ट होगी या ये रिजेक्ट होगी, और फिर उसके बेसिस पे हम अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करके बताएंगे कि
क्या ये हाइपोथेसिस है या नहीं है, इस हाइपोथेसिस को जनरलाइज करना है या नहीं करना है, है ना। जैसे हमने कह दिया कि भीड़ के, मान लो हमने ये बोला कि जब बहुत सारी भीड़ होती है सोसाइटी किसी भी जगह पे, तो लोग जो होते हैं वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद नहीं काम करना पसंद करते हैं, दूसरों यानी सोशल लोफिंग का अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, जब भीड़ होती है तो सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की, कि यहाँ पे भीड़ होगी तो अगर हमने कोई यहाँ पे कूड़ा गिरा हुआ है तो उस भीड़ में कोई व्यक्ति उस कूड़े को हटाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि मैं क्यों उठाऊँ, ये दूसरा उठा लेगा, दूसरा क्यों उठाए तीसरा उठा लेगा, है ना। तो ये हाइपोथेसिस अगर हमने कोई उस पे काम किया और बहुत सारे लोगों पे हमने डेटा कलेक्ट किया और उसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया या किसी भी तरीके के टेस्टिंग मेथड को यूज़ किया, उसके बाद हमने देखा कि ऐसा ही हुआ, तो हमने बोला कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, यानी कि यही टेंडेंसी होती है। तो इस तरीके से कि छोटा सा एक एग्जांपल था, इस तरीके से हाइपोथेसिस बना के उस पर काम किया जाता है साइंटिफिक मेथड में। तो साइकोलॉजी इस तरीके से काम कर रही है और ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने अप्रोचेस को लेकर आ रही है। अब साइकोलॉजी की एज अ सोशल साइंस बात करें, तो सोशल साइंस के फॉर्म में साइकोलॉजी जो है वो देखती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट से इफेक्ट करता है, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है, हमारे कल्चर में जो चीज़ें हो रही है, हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं वो कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग वातावरण में पढ़े हुए दो बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मान लो अगर दो बच्चे हैं वो साथ में अभी आए हैं, तो एक ए है एक बी है, इसका बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पे पैसे को बहुत वैल्यू दी जाती है, पुअर फैमिली से है। बी जो है वो बहुत रिच फैमिली में पला बड़ा है। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, दोनों का सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर होगा इस पर डिपेंड करेगा। ये आगे जाके हो सकता है खर्चा करने में बहुत कंजूसी करे, उसको लगे कि नहीं मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको खरीदना नहीं है, बचाना है, कम तरीके से यूज़ करना, और ये बहुत हो सकता है पैसे खर्च के मामले में बिल्कुल फ्रैंक हो सकता है। उसी तरीके से और मॉडर्न थॉट्स को लेकर भी हो सकता है कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, कंजर्वेटिव है या बिल्कुल मॉडर्न है, उस पर उसका भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं सोशो कल्चर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो भी देखे जाते हैं, वो भी पढ़े जाते हैं। तो बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी नहीं प्रेडिक्ट की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फैमिली में पढ़े हुए, एक ही बड़े हुए, एक ही फैमिली के सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बड़े हुए दो बच्चे हैं, दो भाई बहन हैं, उन दोनों की भी बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है। तो चीज़ें ऐसी जो डिफ़िकल्ट होती हैं अभी भी एक्सप्लेन करना कि कैसे वहाँ पे कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके बीच में। तो एज अ सोशल साइंस, एज अ नेचुरल साइंस साइकोलॉजी जो है उभर कर आई है।